तो गाइस ये रही हमारी करिश्मा जेडमार और आज हम इसका पूरा सर्विस कराने वाले और वो भी कितने किलोमीटर होगा इस पर देखिए गाइस। अभी हम इसका हॉर्न भी लगा रहे हैं, आपको हॉर्न सुना था, सुनिए आप हॉर्न। ये तो टट्टी है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हमारी आप देख सकते हैं पीछे करिश्मा ZMR है। तो आज इसका मैं काम करने जा रहा हूँ सर्विस, और सर्विस में क्या क्या करा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज ये रही हमारी करिश्मा ZMR और आज हम इसका पूरा सर्विस कराने वाले हैं, और वो भी कितने किलोमीटर होगा इस पर देखिए। रुकिए, अभी पर लिख के आएगा उसके अंदर, आपको दिखा देता हूँ। देखिए हालत देखिए इसकी क्या हो गई है। मैंने फिर इसे धुलाया भी नहीं, मतलब पर काम हो जाए उसके बाद एक अच्छा डीजल वॉश करा लूँगा। ये देखिए भाई, ये देखिए इसका है टोटल 63,717। तो इतना चलने के बाद अभी हम इसका सर्विसिंग कराएंगे, और आप देख सकते हैं आपको लुक अलग अलग जा रहेगा, क्योंकि यहाँ का आईना तो देखिए टूट चुका है। देखिए एक आईना है, एक नहीं है, या किसने तोड़ा है आईना पता नहीं, किसी ने तोड़ा था और यहाँ ऊपर रख दिया था। जब मैं आके देखा तो यहाँ ऊपर रखेला था, तो मैंने ले जा के घर पे रखा, उसे चिपकाया हूँ, और अभी नया ऑर्डर दिया हूँ। अब देखिए नया जब आएगा तब लगाएंगे। अरे देखिए जैसे भी देखिए कितनी गंदी हो चुकी है। पहले तो गाइस आप देख सकते हैं, देखिए एकदम जाम हो गए। ये हम इसका ब्रेक फ्लूइड चेंज कराएंगे और इसका किट गए, वरना आपने देखा था हमने पिछली वीडियो में नया डाले तो नया डालते कि क्या है ये। और आगे का तो देख सकते हो, देखिए क्या आपको ध्यान दिख रहा है कि नहीं। ये देखिए ये फोक पे है ना, ये फोक कट चुका है, तो ये फोक अंदर जा के ये सील ऑयल सील आती है इसे काट दिए, तो यहाँ हमें नया फोक डालना पड़ेगा एक, और यहाँ का जो है यहाँ का ऑयल सील ख़राब है, तो हमें दोनों ऑयल सील मतलब राइट लेफ्ट का ऑयल सील और राइट साइड का नया फोक डालना पड़ेगा। और इसके जाते फोक कटने से पूरा ऑयल गिर गिर के देखिए पूरा ये डिस्क ब्रेक पे आ चुका है, तो ब्रेक भी नहीं लग रहा है पूरा ऑयल की वजह से आगे का, तो ब्रेक भी सर्विसिंग कराना पड़ेगा। फिर आगे पीछे का अगर है तो हमें डिस्क ब्रेक जो ब्रेक पैड आती है वो भी चेंज कराना पड़ेगा, और इंजन ऑयल चेंज कराना है। और इंजन ऑयल भी हमें चेंज कराने के बाद जहाँ नट लगते हैं ना इसे समझो, अगर यहाँ से निकल रहा है इसका तो वो साइड से निकल रहा है, समझो अगर यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पर ना छोटा क्रैक है, तो जब भी मैं बाइक को सिंगल स्टैंड पर रखता हूँ ना तो ऑयल वहाँ से लीक होने लगता है। तभी ऑयल निकालने के बाद हमें उसका भी कुछ करना पड़ेगा कि सिंगल स्टैंड पर रखने के बाद ऑयल गिरे ना। तो चलिए अभी मैं आपको मिलता हूँ सीधा गैरेज पर। गाइस अभी हम सीस का हॉर्न भी लगा रहे हैं, आपको हॉर्न सुना था, सुनिए आप हॉर्न। ये देखिए एकदम ना बदने के रास्ते पर तो हॉर्न सुनाई नहीं देता है, लगता है बारिश के तो पानी वानी गया रहेगा ना। ये देखिए हॉर्न इससे इसका इतना अंदर है ना, हाथ भी नहीं आता है, तो अभी जब फोक के लिए खुलेगी तो उधर खाली रहेगी जगह, तो हम बोले चलो फिर ऑयल भी ये फिट कर लेंगे हम। ये देखिए हमारा हॉर्न है जो पहले था वही लगाने वाले, वो सही दूसरा। ये देखिए हॉर्न क्या हो, तो इसका हम ऑयल ये हॉर्न भी चेंज करा देंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस अभी हम गैरेज पे आ चुके हैं, अभी पहले टायर खोल दिए क्योंकि सॉकअप का पेरे कर लेंगे वो मैंने, तो अभी टायर खोल दिए, अब देखते हैं मरघट वरघट खोल के जो है वो चालू करेगी काम। पहले तो मरघट खोलना पड़ेगा, टायर यहाँ है, मरघट खोल के निकालेंगे तब जाके सॉकअप निकलेगा। तो देखिए हालत कैसी होगी इसकी पूरी,
है देखिए ये वाला वो सॉकअप है जो कट चुका है, बोला था ना एक सॉकअप कट चुका है, ये वही सॉकअप है। तो फिर उसी निकाले, देखते क्या है इसका क्या नहीं। देखिए कट चुका है पूरा। गाइस अभी पूरा खोले है क्योंकि मैं बोला था ना ऑयल निकल ही गया, खत्म हो चुका है, बचा ही नहीं है। तो अभी निकाल के पूरा इसको साफ करेंगे, नया सॉकअप डालेंगे। लेकिन अंदर सब सही है कि नहीं है क्या है वो देख के पहले खोल के साफ तो करना पड़ेगा उसे। देखिए कुछ ऑयल ही नहीं निकलेगा, देखिए कुछ ऑयल ही नहीं निकल रहा है क्योंकि पहले सब ऑयल गिर के ख़त्म हो चुका है, कहाँ से ऑयल निकलेगा। राइट साइड का ये वाला, लेफ्ट साइड का भी खोलेगा। ये देखिए लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड में ये क्रीम निकल रहा है, ऑयल में ये क्रीम निकल रहा है। असल में ये वो है कि ऐसा पानी चला गया था तो पानी और ऑयल पूरा मिक्स हो गया, अजीब ही कुछ बन गया है। तो इसके लिए आगे जब भी जाती थी ना खड्डे में खाट खाट आवाज आती है। तो देखिए लेफ्ट में तो ऑयल ख़त्म और ये पूरा क्रीम जैसा हो गया। ये देखिए यहाँ से दोनों खोल दिए पूरा, ऊपर से पूरा हैंडल अलग हो चुका है अभी तो। तो गाइस अभी पेट्रोल निकाल रहे हैं क्योंकि वो ब्रेक पैड और सॉकअप साफ करने के लगता है ना, इसलिए। तो ये सॉकअप का देखते हैं जो है, चलो वो साफ कर दिया तो इसे एक बार सॉकअप का काम हो जाएगा। फिर क्या ब्रेक पैड वैसा होता रहेगा तो छोटा है, चलो मेन सॉकअप है तो इसके अंदर की जो स्प्रिंग है वो पूरे अच्छे से साफ करके लगा रहे हैं कि नया तो लिए है, नया सॉकअप सिर्फ बाहर का आता है, अंदर का जो मोटर रहता है वो पहले का ही रहता है। तो वही अभी साफ करके लगा रहे हैं। देखिए पूरा नया है, इसको पहले अंदर फिट करना पड़ेगा, उसके अंदर जो टायर में लगता है उसके लिए पूरा हम यहाँ फिट करके बराबर वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है वो देख रहे हैं। अभी जो है इसको ऑयल डाल रहे हैं क्योंकि ऑयल तो चाहिए ना, मैं बोला था ना कि पहले कैसा ऑयल निकला था थोड़ा सा कि वो पूरा क्रीम जैसा हुआ, असल में ऑयल रहते हैं। तो अभी ऑयल डाल रहे हैं इसके अंदर दोनों, इसके अंदर अभी पीछे का जो ब्रेक पैड हमने नया लाए थे ना वो फिट कर रहे हैं। पहले कैलिपर खोले गए उससे अच्छे पेट्रोल से साफ करेंगे फिर फिट करेंगे। तो ये अभी खोलना चालू हो गया पीछे का, और जब तक कि आगे का हम लोग सॉकअप कर लेंगे। अभी देखिए ये पीछे का ब्रेक पैड देखिए पूरा घस चुका है, चलने लायक भी नहीं, एकदम ख़त्म हो चुका है। तो ये तो इसके लिए हमने नया ही डाले। और ये देखिए आगे का ये भी पूरा घिस चुका है, तो बोला था ना जब बाइक लिया था तब उसके बाद काम नहीं करा जो था वही था। तो देखिए पूरा आगे का ब्रेक पैड घिस चुका है, तो आगे पीछे का मस्त हमने नया डाले पूरा ब्रेक पैड। एक जरा खोलने के टाइम और फिटिंग के टाइम ज़रा होता ही है जो उसका ये रहता है डिस्क ब्रेक का जो अंदर बाहर होता है वो ज़रा जाम रहता है, तो उसे सर्विसिंग करनी पड़ती है वो खोलेंगे तो। ये आगे का तो खाली लगा के रखा है, फिट नहीं किए, पहले पीछे का करेंगे फिर आगे का, क्योंकि एक बार खोल दिए ना तो देखिए ऐसा फिट करना पड़ रहा है। ये आगे का तो अभी तक चालू नहीं किया है क्योंकि पीछे का ही कर रही हूँ, पीछे में अटके लें। तो देखिए एक बार खुल जाता है ना तो फिटिंग में ज़रा नाटक होता ही है। तो देखिए अभी चालू है इधर भी आगे का इसका पूरा, अभी फिट साफ करें, साफ करने के बाद फिटिंग करेगा फिर वो जॉइंट करेगा, तो और जो छोटी छोटी तीन चार काम है वो करेगा। मेन सॉकअप का तो हो चुका है फिलहाल, बाकी ब्रेक पैड और दो तीन काम है। ये देखिए ऑयल का मेन है, ये ऑयल खोलने के लिए इसकी फेयरिंग खोलनी पड़ती, बिना फेयरिंग खोले ऑयल निकाल नहीं पाती।
और उसकी फेयरिंग खोलना, फिर लगाना, वाइब्रेट ना हो, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है फेयरिंग वाली बाइक का। तो फिर फेयरिंग खोलते ही ऑयल निकाल रही इसका, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑयल में कौन से डाल रही। फिर ऊपर ऑयल निकल जाती है, फिर काला काला ऑयल एकदम ख़त्म हो चुका है ऑयल। फिर देखिए हम कैस्ट्रोल का ऑयल डाल रहे हैं। मैंने जो थे उनको ही पूछा कौन सा ऑयल अच्छा है, मतलब इंजन के हिसाब से कोई भी नहीं डाल सकते, इंजन के हिसाब से, सीसी के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से। तो कैस्ट्रोल का अच्छा था तो मेरा ठीक है, उस हिसाब से वो कैस्ट्रोल का ऑयल डाल देते हैं। अभी अब कितना किलोमीटर चल देगा मैं आपको सब बाद में बताऊंगा, और जो पूरा खर्चा होगा मैं आपको सब बाद में नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। सो गाइस, ये रही हमारी करिश्मा ZMR, और इसका पूरा काम हो चुका है। इसी के आपने देखा ब्रेक पैड चेंज कराया, आगे के ये दोनों ऑयल सील रहते, वो ये देखिए अभी देखिए सॉकअप, ऑयल सील और सॉकअप दोनों चेंज गए। देखिए पहले क्रैक था इधर, मतलब स्क्रैचेस था कटा, वो भी चला गया, दोनों का ऑयल सील बदलाया और दोनों के ब्रेक पैड और ऑयल चेंज कराया। अभी मैं आपको ऑयल चेंज करने के बाद साउंड सुनाता हूं, साउंड सुनिए इसका कैसे है। अभी देखिए गाइस, जब से ऑयल डाला हूँ ना चलने में तो एकदम स्मूथ हो गई है, और साउंड भी मतलब एकदम कम हो गया। पहले क्या थोड़ी वाइब्रेट करती थी, आवाज़ आती थी, ऑयल चेंज करने के बाद एकदम बाइक साइलेंट हो गई है, चलाने में एकदम स्मूथ है। तो अभी ऑयल डाले है तो मैंने आपको दिखाया था कितने किलोमीटर पे, अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि मतलब ऑयल चेंज करें तो कितने किलोमीटर पे चेंज करना चाहिए। तो गाइस आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।